हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उठ चुके हैं, अभी हुए हैं सुबह के 7 और ये बन चुकी है मेरी चाय। और बच्चे अभी सो रहे हैं और इतना ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है आज तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, हालत ख़राब है। हमने दो दो कम्बल ओढ़े हैं, फिर भी रात में इतनी ज़ोर से सर्दी लगी है कि बस हालत ही ख़राब हो रखी है। इतनी सर्दी भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सर्दी बड़ी ख़तरनाक है और दिल्ली की गर्मी भी। ये बन चुकी है हम तीनों की चाय। ये मेरी चाय, ये बेटे की, ये बेटी की। अभी बेटे का कुछ पता नहीं पिएगा कि नहीं पिएगा, नहीं पिएगा तो फिर मैं पीऊँगी इस चाय को। यह है मार्टन भाई साहब, ये मार्टन भाई से बैठे जो दूध पी के आ चुके हैं। अभी अभी दूध पी के आए, ये देखो। हाँ, गुड मॉर्निंग करो, चलो गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग करो। ये देखो, इसे दूध भी लगा पड़ा मुँह पे। दूध पी के आया बेटा, दूध पी के आया बच्चा। ओ हो, मेरी बेटी दूध पी के आई है, दूध पी के आई है। अच्छा, दूध पी के आई है। ओहो, सो रहे बच्चे, ये सो रही दीदी, दो दो कम्बल ओढ़ के सो रही है देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है आज। आज तो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी है। और ये बेटा सो रहा है, ये तो हमेशा पूरी सर्दी में इसने एक ही कम्बल में सोया, इसने दूसरा कम्बल ओढ़ा ही नहीं है। अरे मार्टिन भाई साहब ऊपर भाग कर आया अपने भाई की आवाज़ सुनते ही, क्योंकि मैं भाई को जगा रही, तो भाई ने कर दिया मना कि मैं चाय नहीं पीऊँगा। और ये देखो, मार्टिन भाई साहब देख रहे हैं अपनी दीदी को, क्योंकि दीदी उठ चुकी है, क्योंकि आज भी दीदी को जाना है दुकान पे, इसलिए दीदी जल्दी उठ चुकी है। ये देखो, ये बस लो जी, हो गया इनका पार स्टार्ट। अब मैं बनाऊंगी चाय। सुबह में दो चाय मैं पी चुकी हूँ, उसमें मतलब वो मुझे अच्छी सी नहीं लगी, क्योंकि जब तक बढ़िया एक चाय ना मिल जाए ना मुझे, जब तक टाइम ही मतलब सुबह की शुरुआत नहीं होती मेरे साथ। तो मैं बनाऊंगी गुड़ वाली चाय और बेटे को खाने सैंडविच पनीर वाले। तो उसके लिए प्याज और पनीर को घिसना है और ब्रेड में लगा के उसको देना है, क्योंकि वो आजकल जिम में जा रहा है, तो उस वजह से उसको नाश्ता कराना है। और बेटी हो रही है रेडी जाने के लिए। और ये मेरे रात वाले बर्तन है, इनको मैं फटाफट साफ करूँगी, मैं जाऊँगी एक घंटे बाद में। और यहाँ हो रही है मस्ती, ये देखो। ये बेटा उठ चुका है, ये कह रहा मामा ये आप बस पनीर काट दो, प्याज काट दो और मुझे दे दो, मैं ब्रेड में लगा के नाश्ता कर लूँगा। और ये देखो, ये चमचा है मार्टिन भैया का अपने। और ये आके देखो, यहाँ आके सोया है। हाँ मार्टिन, को बात, गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, कर दो गुड मॉर्निंग। ये उठ चुका है, चढ़ा दिया दूध। पहले करूंगी दूध गरम, फिर बनाऊंगी चाय अपने लिए। मैंने छील वो घिस लिया पनीर और ये काट लिए प्याज बारीक बारीक। अब इसमें मैं डालूंगी ये चिंग चटनी और बस बनेगा सैंडविच। और अब मैं इसको कर लूंगी मिक्स, बन गया सैंडविच का पेस्ट। ये मैंने चढ़ा दिया तवा, डाल दिया इसमें थोड़ा सा घी ब्रेड सेकने के लिए, क्योंकि इसमें अब सेकेंगे ब्रेड। इस तरीके से ब्रेड सेकूंगी, गई ब्रेड इस तरीके से कुरकुरी कर ली मैंने इस तरीके से। सैंडविच लगाना है पनीर अच्छे से। अभी मैंने लगा दिया पनीर का पेस्ट इसमें और ये बन गया है सैंडविच। बन गया सैंडविच पनीर का और ये बेटा खा के गया, एक वाइट खा के भागा है। अभी उसका फोन आ गया, उसने मुझे बताया नहीं कैसा बना है, अब बताएगा। ये देखो मार्टिन भाई साहब की नजर सैंडविच में, खाना है सैंडविच खाना है, देखो भी टेस्ट करना है टेस्ट करना है। ले, मैं कह रहा हूँ 12 बजे चलेंगे। ले बेटी, ये बना दिया मैंने सैंडविच और खा चुका है बेटे। बेटे को बहुत पसंद आया, क्योंकि पनीर का तो पनीर की चीज इसको बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैं सैंडविच बना चुकी हूँ और अभी मेरी बन रही है। ये कर रही हूँ मैं दूध गर्म अपने लिए, क्योंकि मैं बनाऊंगी गुड़ की चाय। और ये मैंने इतनी ब्रेड सेकी है और बेटे ने बोला मम्मी थोड़ी सी और चटनी डाल दो, तो मैंने हल्की सी चटनी और इसमें ऐड की है, क्योंकि वो कह रहा थोड़ा सा हल्का सा मेरे को मसाला चाहिए, तो मैंने थोड़ी सी कर दी है और पूरी किचन मेरी फैली पड़ी है। अब मैं बनाऊंगी गुड़ की चाय पहले अपने लिए, क्योंकि आज सुबह से मेरे को सिर्फ दो चाय में पी चुकी हूँ, सिर्फ दो चाय पी चुकी हूँ, वो भी किसी मतलब अच्छी नहीं बनी, अच्छी नहीं मिली। जब अच्छी नहीं मिलती तो मेरे को मेरा ना मन ऐसे भटकता रहता, जब तक मैं ढंग की चाय नहीं पीती हूँ, जब तक मेरा सुबह नहीं होता है। तो मैं अब फटाफट ढंग की चाय बनाऊंगी अपने लिए गुड़ की, फिर पीकर फिर मुझे निकलना है शॉप पे, क्योंकि बेटी जा चुकी है, बेटा उसको छोड़ के आ गया। बन गई मेरी चाय,
पी है मैंने ढंग की चाय आज सुबह से। आलस आया था ना, कोई भी चाय बना के देता है तो इतनी चाय पसंद नहीं आती मुझे किसी के हाथ की जब तक मैं खुद ही बनाती। तो अब मैं पी रही हूँ आराम से तसल्ली से बैठ के चाय। मैं आ गई हूँ शॉप पे, हो गई सारी साफ सफाई। आज मैंने ये आर्टिकल ठीक किए आने के बाद में, ये सब मैंने साफ सफाई किए यहाँ से। और ये प्रिंट में है, ये प्रिंट में और ये प्लेन में है। ये हमारी लाइट पैडेड ब्रा है जो हम लोग सारे जने मिलके साफ सफाई कर रहे थे। और अब मैं बनाऊंगी महक की थ्रेडिंग, क्योंकि महक को करना है, महक को कहीं जाना है वो भी है, और थोड़ा सा लुक वगैरह करेगी अपना। तो कह रही मम्मी मेरी थ्रेडिंग बना दो, तो मैंने बोला चल ठीक है मैं उसकी थ्रेडिंग बना देती हूँ। तो अपर लिप्स फोरहेड और थ्रेडिंग उसकी बनानी है मुझे, तो करते हैं काम थोड़ा सा। बाकी बोनी वोनी तो हमारी हो चुकी है, अंदर की बाहर की, पार्लर की भी और बाहर की भी। अभी हो रही थ्रेडिंग पे, पाउडर लगाया है, पकड़ो नीचे से और बस। थ्रेडिंग दोनों और अब होगा फोरहेड। अब यहाँ हो रहा है मेकअप लुक, आज ये बनाएगी अपना मेकअप लुक। अभी ये कर रही है कंसील, आई मेकअप करेगी अभी, है ना। पहले आई फिर बेस। अब इन्होंने कर लिया कंसील, आज किसी की हेल्प नहीं लेंगे ना। मुझे वैसे भी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ओह माय गॉड, ये आपका एटीट्यूड मार देगा एक दिन हमारे जैसे लोगों को। तो है इसने कर लिया आई मेकअप, दिखाओ ये वाला आगे से थोड़ा अजीब लग रहा है। आईज बंद करो। पता नहीं चल रहा, नहीं पता लग रहा, बंद करने पे नहीं बोल रहा, लाइनर ही बोल रहे हैं ना। यहाँ हो रहा है बेस बन रहा है फेस का, दिखाओ लिपस्टिक, दिखा कौन सा शेड लगाया है, रेड लगाया है, दिखाओ तो। एक मिनट, थोड़ी ओवरलाइन करूंगी हल्की सी। ठीक है कर लो। तो ये पूरा सामान इसका ऐसे देखो कैसे फैला रखा है इसने, यहाँ तक है इसकी। ये किया इसने अपना मेकअप, आइस खोलो आइस खोलो, ये पूरा रेड में किया है। चुकी है रेडी, अब बस फोटोज लेंगे। अभी जा रही है मार्केट, अभी जा रही है अपने लिए क्या लेना है, अपने फोन का टेंपल चढ़ाने, चेंज करवाने क्योंकि इसका फोन का टेंपल बहुत ज्यादा टूटा पड़ा है। तो मैं इसको बोल रही हूँ बेटे चले जाओ, तो लिपस्टिक तो हटी नहीं तेरी, वो नहीं हटेगी। हाँ। ओके अभी देख रही है जाके साफ करके आएगी शायद थोड़ा बहुत। अब हमारी हो रही है जाने की तैयारी और हम हो चुके रेडी, पूरा सामान वामान हमने समेट लिया। और बेटा आज भी नहीं आएगा क्योंकि बेटा बोल रहा है कि मम्मी मैं नहीं आ पाऊँगा, आप आ जाओ। और यहाँ की पार्लर की कर दी लाइट बंद बंद सब, और मैं भूल गई दुपट्टा लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, इसीलिए दुपट्टा ले लिया मैंने, सर पर बांधूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा लगेगी। और अब हम चलते हैं घर। ये आया मार्टिन आया, ये काला काला कहाँ से करके आया बेटा, काला काला मुंह कहाँ से करके आया तू। अब मैं आ गई हूँ घर और इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है, हालत खराब हो गई और ठंडी ठंडी शीत लहर चल रही है। और आज तो ये लगा लो शॉप पे भी इतनी ज्यादा सर्दी थी कि बस हालत ही खराब हो रही थी। शाम में काम आया है क्लीन अप, रात में 7:30 बजे, उसके बाद में जो क्लीन अप कराया ना हाथ एकदम ठुरठुरा गए हैं और बहुत बुरी हालत हुई है आज। तो बन चुकी है चाय मेरी, ये मेरी और ये मेरी बेटी की, और ये है चूरमे का लड्डू, लास्ट चूरमे का लड्डू है ये। अब ये खा लूँगी मैं और ये हो जाएगा हमारा फिनिश।
ना मेरा मार्टिन मेरे पास आके बैठा है और ये बैठा है चूरमे के लिए मेरा मार्टिन, और इसके ना मुंह गंदा है मेरे बेटे का। ला मुंह साफ करू, लाओ मुंह साफ करू, मुंह साफ करू बेटी, मुंह साफ करू ला। और ये काला काला कहाँ से लगा के लाया तू, कालो कालो कौन से लगा के लाया, कालू कालू कहाँ से बनकर आया तू कालू कालू। ये मेरी बेटी का मुंह साफ कर तू टिश्यू से। अली ये तो चमक गया, ये चमक गया मेरा, ये मेरा बेटा चमक गया, अली चमक गया। बस 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 ये साफ हो गया, मेरा हीरो चमक गया। अब मैंने पी ली चाय और मैंने तो खा लिया चूरमा, मेरा तो भर गया पेट। अब बेटा गया बाहर नीचे में, अब वो आएगा जब ऑर्डर करेगा, आज आएगा हमारे घर पे बाहर से खाना, क्योंकि सिलेंडर आज भी नहीं आया हमारा, और कल हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, परसों हो गया था 14 तारीख को, तो अभी तक हमारा सिलेंडर नहीं आया। मैसेज तो आ चुका है, वो मैसेज में लिखा था कि भाई आज आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। दोनों तो बनाएंगे अब बाहर से मंगाएंगे खाना, क्योंकि मैं भी लेट हो गई बहुत ज़्यादा, अभी टाइम हो गया। तो हस्बैंड कह रहे बाहर से मंगा लेंगे, मार्टिन दे रोटी वोटी मंगा लेंगे, और ये भी रोटी सब्जी मंगा लेंगे। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।